नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। पाकिस्तान गए अंजू के पति अरविंद ने अंजू और उसके पाकिस्तानी पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अरविंद 366, 494, 500, 506 और आईटी एक्ट 47/66 धाराओं में भिवाड़ी के फूलबाग थाने में मामला दर्ज कराया है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग से 184 किलोमीटर दूर भूकंप आया है। रिश्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है। बताया जा रहा है कि भूकंप की गहराई 129 किलोमीटर थी। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जेडीयू प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने गए। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने विपक्षी गठबंधन से कई मुद्दों पर बातचीत की। हरियाणा के गुरुग्राम में किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट पर बम धमाका करने की सूचना दी। इसके बाद दोनों ही महानगरों में पुलिस अलर्ट हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज रोहित बी देव ने शुक्रवार को भरी अदालत में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने इस्तीफे के पीछे की वजह निजी कारण बताया है। एक्टर सदा शर्मा अपने अगली वेब सीरीज कमांडो को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है। लेकिन इसी बीच एक्ट्रेस के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल अदा शर्मा डायरिया और फूड एलर्जी के चलते अस्पताल में भर्ती है। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान का गाना जिंदा बंदा धूम मचा रहा है। तो वही इस बीच सोशल मीडिया पर जवान के दूसरे गाने दिल तेरे संग जोड़िया का वीडियो लीक हो गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC अपने ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर आकर्षक ऑफर लाती रहती है। हाल ही में LIC ने अपने ग्राहकों को जिंदगी को आसान बनाने के लिए जीवन लाभ पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी में निवेश करने से आप मैच्योरिटी पर लाखों का फंड जमा कर सकते हैं। मणिपुर में 3 महीने से हिंसा जारी है। मैतेई और कुकी समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ हिंसक हो रहे हैं। इसी बीच विष्णुपुर में देर रात बाप बेटे समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। विपक्षी दलों की अगली और तीसरी बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में होगी। दरअसल पहले यह बैठक 25 से 26 अगस्त को होने वाली थी। यदि आज की टॉप 10 खबरों का सिलसिला NBC News पर यही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC News पर। नमस्कार।